हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। सो हमारा वैलेंसियन वेरिएबल बैलेंसेस का बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया है। और आज हम लोग इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ से 2.3.2 से आज स्टार्ट करते हैं। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होता है विच ऑकर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड, जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस किसी भी सब्सटेंस के साथ या किसी भी कंपाउंड्स के साथ जुड़ने पर या दो एलिमेंट्स के जुड़ने पर उनके बीच केमिकल रिएक्शन होने पर एक एवोल्यूशन ऑफ हीट हीट उत्पन्न होता है, हीट निकलता है यानी ऊष्मा निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक चेंजेस कहते हैं। यानी यहाँ पर जो चेंजेज हुआ वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक चेंजेज हुआ। यानी एक्सोथर्मिक चेंजेज मीन्स हुआ, एक्सोथर्मिक चेंज मीन्स हुआ एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक चेंज मीन्स हुआ एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट का निकलना। और इंडोथर्मिक चेंज मीन्स क्या हुआ, इंडोथर्मिक चेंज मीन्स हुआ कि वाइल दोज विच ऑकर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है मतलब हीट को शोषित करके कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक मीन्स हुआ, इंडोथर्मिक चेंजेस मीन्स हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, क्लियर हुआ कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या हुआ, वो फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए वो फिजिकल या वो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक चेंजेस बोल सकते हैं या रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं, जब कोई किसी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ने या भौतिक या केमिकल चेंजेस में होने से पहले होता है तो उसमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक चेंज हुआ है। और जब किसी चेंजेस जब होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं और यदि सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके लिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक चेंजेस। ठीक है, इन एक्सोथर्मिक चेंजेस द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉन्टेंट इन द मटेरियल्स अंडर वो सच ए चेंजेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है वो सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ दूसरे टाइप की एनर्जी होती है कॉन्टेंट इन द मटेरियल, जो मटेरियल के भीतर भी होता है, मटेरियल के बाहर भी हो सकता है, अंडर गोइंग ए चेंजेस सच ए चेंजेस, इस प्रकार के चेंजेस के लिए उसके भीतर में भी एनर्जी हो सकता है, या फिर वो जब उसको किसी ऐसे कंटेंट्स किसी ऐसे चीज़ों से मिलाया जाता है जिससे कि वो काफ़ी तेज हीट का एवोल्यूशन हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इंडोथर्मिक जो है वो क्या है, कूलिंग ऑफ ऑकर्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब हीट को अवशोषित करके जो रिएक्शन होता है फ्रॉम सराउंडिंग अपने चारों तरफ से लेके उस मटेरियल के भीतर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक चेंज करते हैं। तो इंडोथर्म एक्सोथर्मिक फिजिकल चेंजेस होता है, देखिए जैसे एग्जांपल जैसे हम लोग लें कि व्हेन कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिक्सेस इन वाटर, जब कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है तो, या फिर व्हेन कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक पोटाश को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो एक प्लेंटी ऑफ हीट, एक प्रकार का हीट इज इवॉल्व इन ईच ऑफ फिजिकल चेंजेस। इसके फिजिकल चेंजेस में जैसे ही पानी इसमें मिलाया गया मतलब इसको डाइल्यूट किया गया तो इसके फिजिकल चेंज यानी भौतिक जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन होता है तो इसमें हीट एवोल्यूशन होता है। अब जब थोड़े से हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा होता है, लेकिन जैसे उसको पानी के साथ मिलाया जाता है तो हठात पानी नहीं डालते हैं, यानी वाटर के साथ जैसे ही हम लोग उसको ऐड करेंगे तो एक हीट निकलता है। ठीक है, तो ये लैब में आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। उसी तरह से इंडो एक्सोथर्मिक चेंजेस और भी एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि एक्सोथर्मिक चेंजेस में जैसे कार्बन व्हेन कोल बर्न्स इन एयर, कोल तो सभी जानते हैं कोयला, तो जब एयर में जलाया जाता है तो एवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस,
तो एक बहुत ही तेज ऊष्मा निकलती है, यानी हम लोग जिस पर इधर अभी भी हमारे झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों में कोयले पे खाना बनता है, तो जानते हैं ना हम लोग कि कोल को जब ऑक्सीजन के साथ यानी बर्न किया जाता है तो क्या मिलता है, CO2 और प्लस हीट की एवोल्यूशन होती है, उसी हीट पे तो होता है। समटाइम्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोथ हीट और लाइट दोनों निकलता है, कभी कभी तो क्या होता है कि कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट और लाइट दोनों ही निकलता है, जैसे कि हम लोग किरोसिन को जलाएं, लकड़ी जलाएं, गैस जलाएं, कैंडल, ये सब में दोनों ही यानी हीट भी निकलेगा और उसके साथ साथ हमें लाइट भी मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए कि ये भी ध्यान दिए होगी, जब कोयला को जलाया जाता है, सॉरी कोयला को तो जलाया जाता है तो ही CO2 और हीट निकलता है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्विक लाइम को देखे होंगे, कली चूना, उसको क्या करेंगे यदि हम लोग पानी का स्प्रे करेंगे या पानी में डालेंगे तो फट फट की आवाज होगी और वो बुझा चूना में कन्वर्ट होगा, लेकिन काफी तेज साउंड के साथ भी और एक बहुत तेज हीट के साथ भी। विद द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, तो वहां पर एक्सोथर्मिक केमिकल चेंजेस हो रहा है, यानी क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, और उसको वाटर के साथ हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल गया, CaOH2 और प्लस हीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंजेस हुआ, यदि कंबस्टन अब यानी कि वहां पर भी मीथेन के साथ करेंगे तो मीथेन को यदि हम लोग एयर में एयर के साथ कन्वर्ट मतलब एयर के साथ मिलता है मीथेन को, तो मीथेन यानी कि CH4 इन एयर ऑल्सो टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, तो वहां पर भी एवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ मीथेन के साथ भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है, यानी CH4 यानी मीथेन का ये फॉर्मूला है प्लस 2O2 को हम लोग ये कन्वर्ट कराएं तो देखिए क्या मिलेगा, हमें CO2 गैस मिलेगा क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला गया, उसके बाद हमें मिला वाटर और प्लस हीट मिला। तो जिन क्रियाओं में हीट की प्राप्ति होती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक चेंजेस कहते हैं, और जिन क्रियाओं में हीट की प्राप्ति नहीं होती है, हीट लिया जाता है, तो हम लोग उसको इंडोथर्मिक चेंजेस कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस में इंडोथर्मिक फिजिकल चेंज में क्या होता है, व्हेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl डिजॉल्व इन वाटर लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑकर्स, तो ये टेम्परेचर को क्या कर देता है, टेम्परेचर को कम कर देता है, तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को यदि वाटर के साथ हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या कर देगा, वाटर को टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज प्रिपेयर, अमोनियम नाइट्रेट भी यदि बन जाता है तो वहां पर भी डिक्रीज कर देता है, टेम्परेचर को घटा देता है, तो यहाँ पर इंडोथर्मिक केमिकल चेंज हुआ। उसी तरह से यदि सल्फर वेपर इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल के ऊपर यदि सल्फर वेपर को भेजा जाए, यानी कि सी कार्बन है और 2S सल्फर वेपर को भेजा गया, तो यहाँ पर CH2 सल्फर डाइऑक्साइड मिला और हीट लेके हीट एब्जॉर्ब करके मिला, यानी कि एक कलरलेस कंपाउंड कार्बन डाइसल्फाइड इज फॉर्म्ड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, शोषित कर लिया जा रहा है। उसी तरह से यदि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन वेपर इज पास्ड ओवर हॉट प्लेटिनम वायर, तो हाइड्रोआयोडिक एसिड इज फॉर्म्ड विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटा के मिलेगा हमें, ठीक है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां पर इंडोथर्मिक चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। ये इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या क्या होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा 2.33 का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन मीन्स हुआ ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है और रिडक्शन किसको कहा जाता है, तो कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन मीन्स हुआ कि ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज एसोसिएटेड विद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो सिंपल सा है, जहाँ पर मैंने भी बताया कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का या फिर ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, जैसे कार्बन के साथ यदि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के रूप में मिलाएंगे तो CO2 गैस में मिला, कॉपर को मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो सुप्रिक ऑक्साइड मिला, सल्फर को मिलाएंगे तो SO2 मिला, तो
ये इस तरह से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि एडिशन और इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रोपोर्शन में यानी जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलाई जाती है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में कुछ और भी एलिमेंट हमें मिले जिसके साथ जुड़ने के बाद ऑक्सीजन मिलता है। और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और रेडिकल, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है या फिर कोई रेडिकल होता है जैसे कि क्लोरीन, फ्लोराइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्साइड वगैरह टू ए सब्सटेंस, वहाँ ऑक्सीडाइज कर देना, रिमूवल और डिक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन के को भी कम कर देना या फिर उसी तरह से उसको हटा देना। और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रेडिकल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और अमोनियम वगैरह जो है फ्रॉम ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को हटा देना, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। सिर्फ ये मतलब नहीं कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर ही ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो उनके बीच में ऑक्सीडेशन की क्रियाएं होती है। तो जैसे कि यहाँ पर तो मैंने आपको यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बताया कि यदि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम वगैरह बर्न किया जाए ऑक्सीजन में तो ये टू बी ऑक्सीजाइज रेस्पेक्टिवली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड और सोडियम परऑक्साइड, ये सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन सुफिशियंट एयर, कॉपर को यदि सुफिशियंट एयर में हीट किया गया तो रेड कलर ऑफ कॉपर इज ऑक्सीडाइज इनटू ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यदि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। और यदि इंक्रीज इन प्रोपोर्शन देखेंगे ऑक्सीजन का तो एनओ के साथ यदि हम ऑक्सीजन को साथ रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन का तो हमें मिलेगा NO2, तो यहाँ पर इसकी प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एडिशन ऑफ क्लोरीन, अब देखिए कि कुछ ऐसे जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन में ही कहा गया है कि वेन स्टेनर्स क्लोराइड या फिर फेरस क्लोराइड हुआ इज ट्रीटेड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस, उनको एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस के साथ यदि ट्रीट किया जाता है तो दे आर ऑक्सीडाइज, तो वो लोग क्या करते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मीन्स कि वो लोग एक ऑक्सीडाइज होकर दूसरे एलिमेंट में बदल जाते हैं, और एस्टेनिक क्लोराइड में और फेरस क्लोराइड, फेरी क्लोराइड में, जैसे देखिए एसएन SnCl4 है तो यदि इसको बहुत ज्यादा इसमें क्लोरीन गैस को दिया गया, क्लोरीन गैस का प्रभावित किया गया तो हमें क्या मिला SnCl4, SnCl4 हमें मिला, सॉरी यहाँ पर SnCl2 था, ये इसके साथ जुड़ गया, यानी कि क्या बोल रहा है वो हमें कहना चाहता है कि जो स्टार्टिंग में ही कि इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और रेडिकल, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट और रेडिकल होता है उसको हटा के कुछ और एलिमेंट यानी कि इसकी प्रोपोर्शन यहाँ पर बना देता है दूसरा कुछ, जैसे हमने स्टेनस क्लोराइड को ये किया तो ऑक्सीडाइज हो गया ये लोग रेस्पेक्टिवली स्टेनिक क्लोराइड में, स्टेनस था तो स्टेनिक क्लोराइड में ये ऑक्सीडाइज हो गया। उसी तरह से यदि फेरस क्लोराइड है तो इसमें ऑक्सीडाइज हो गया, फेरी क्लोराइड में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और यदि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे हाइड्रोजन कहेंगे तो ऑन पासिंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, यदि पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड को पास किया जाएगा गैस इनटू ब्रोमीन वाटर तो रेड कलर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए Br2 को यदि हम सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये कराएंगे तो ये खुद ऑक्सीडाइज होके हमें कुछ और ये दे देता है यानी कि और प्लस सल्फर गैस को निकाल देता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रियाएं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रियाएं हो रही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया यानी हाइड्रोजन को हटा दिया, इसको बना दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर को यहाँ से हटा दिया, यानी जिस एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो उसको हटा देना है, उसी को ऑक्सीडेशन यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। उसी तरह से यदि हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है आपका Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड पोली, और इसको हाइड्रोजन H2O2 के साथ यदि हम करेंगे तो ये हमें बनाया कास्टिक
कास्टिक पोटास और प्लस आयोडीन, ठीक है। तो ये क्या किया, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट था उसको वहां से निकाल दिया, यानी उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो आयोडीन था उसको निकाल दिया यानी हटा दिया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रियाएं हुई, ठीक है, ये समझ में आया। तो रिडक्शन वो एक प्रोसेस है, रिडक्शन वो एक क्रिया है, रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज एसोसिएटेड, या फिर एक ऐसा क्रिया है जो एडिशन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के प्रोपोर्शन को बढ़ा देता है एडिशन यानी कि जुड़ के, और या फिर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट होता है उसके साथ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और या फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जैसे था, या फिर उससे इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट होते हैं उनको उससे उसको या तो हटा देता है या फिर कम कर देता है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन को या तो हटा दिया जा रहा था नहीं तो हाइड्रोजन को कम कर दिया जा रहा था, हाइड्रोजन में से जो एलिमेंट जो जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर उसका अपोजिट होता है। तो जैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन को यहाँ पर ऑन पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर यदि क्लोरीन गैस को हम लोग प्रभावित करते हैं, ये पासिंग करते हैं, तो हमें मिलता है क्या कि येलो डिपोजिट ऑफ सल्फर, सल्फर भी हमें येलो डिपोजिट के रूप में मिलेगा, और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर ये है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इस पर क्लोरीन गैस को हम लोग पास करेंगे तो हमें मिलेगा 2HCl प्लस सल्फर, वो येलो प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, येलो डिपोजिट्स के रूप में मिलता है सल्फर। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन जो हुआ क्या कि देखिए जो क्लोरीन था वो यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रोपोर्शन को बढ़ा देता है यानी HCl में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन से जो सल्फर जुड़ा हुआ है उसको प्रेसिपिटेट कर दिया, ठीक है, यानी इसके साथ इसको जोड़ के इसको अलग कर दिया इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को। उसी तरह से नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया, यहाँ नाइट्रोजन है तो वो 3H2 के साथ ये करेगा रिएक्ट करा के बनाता है NH3। यहाँ पर रिडक्शन की क्रियाएं हुई, ठीक है। ये और देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें ऑक्सीजन को ही रिमूव कर दिया जा रहा है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी रिडक्शन की क्रियाएं हुई। तो कहने का मतलब है कि या तो हाइड्रोजन के प्रोपोर्शन को बढ़ा देना है हाइड्रोजन के किसी एलिमेंट के साथ, या फिर ऑक्सीजन का जो जो भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है उसको या तो कम कर देना है नहीं तो हटा देना है, तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन यानी कि छटनी करना या कम करना, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ऑन पासिंग हाइड्रोजन ओवर रेड हॉट ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इज रिड्यूस टू रेड कलर्ड मेटालिक कॉपर, उसको मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट कर देता है और वाटर की उत्पत्ति होती है। यदि हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो हमें मिलेगा कॉपर और H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को एकदम से हटा दिया जो इसके साथ जुड़ा हुआ था और कन्वर्ट कर दिया वाटर के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिडक्शन की क्रियाएं हुई। इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं इस तरह से हो रही है, लेकिन जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बारे में हमें क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन इज अ सच केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन्स लूजेस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन ऐसा एक क्रिया है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो जिस एटम का क्या करता है कि वो अपना आयन यानी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जबकि रिडक्शन में ऐसा एक केमिकल प्रोसेस है, ऐसा एक केमिकल रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें कोई कोई जो एटम का आयन है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, दैट इज वन लॉजिंग, एक लूज करता है और दूसरा क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी कि लेता है। तो इस तरह की क्रियाओं को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है होने लगता है। तो एक क्रियाओं में जैसे कि मान लीजिए कि कुछ एटम्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम अल्मोनियम है, ये लोग क्या करते हैं कि लूज इलेक्ट्रॉन टू बी ऑक्सीडाइज,
इंडू दे आर कॉरस्पॉन्डिंग आयन, ये लोग क्या करती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये लोग क्या करेंगे कि अपने आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि पॉजिटिव और निगेटिव साइन क्यों होता है, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो इनके भीतर एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो उसको वहां पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाता है। तो जो ऑक्सीडेशन में जैसे कि ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट होते हैं वो लूजेज इलेक्ट्रॉन टू बी ऑक्सीडाइज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयन। ये लोग क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर टू बी ऑक्सीडाइज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयन, ये लोग अपने आयन में कन्वर्ट कर जाते हैं, यानी अपने आयन में ही बदल जाते हैं। और केटायन्स जैसे होते हैं जैसे कि आयरन हुआ आपका, तो ये लोग ऑक्सीडाइज टू बी फेरिक बाय लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोग भी क्या करते हैं कि यदि Fe2 है तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को और त्याग देता है और कन्वर्ट कर जाता है Fe3 में, ठीक है। और एनायंस लाइक है जैसे क्लोरीन है, सल्फर है, ये लोग क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं टू बी ऑक्सीडाइज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे Cl2Cl है, यहाँ माइनस चार्ज है इसका, ये दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो बदल गया Cl2, ठीक है। उसी तरह से एटम्स है जैसे कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये लोग यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि मॉलिक्यूल्स में ये लोग अपने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में दिया था कि क्लोरीन हुआ, ये सब वो लोग कैसे मॉलिक्यूल को त्याग करके, मॉलिक्यूल कैसे अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम अपने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और जैसे एक रिडक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर है, ये लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और रिड्यूस्ड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एनायंस, और ये लोग एनायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं हो रही हैं। आप देखिएगा आपके बुक में बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया गया, और ना आए तो यहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज देखिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों क्रियाएं एक साथ ही होती है। व्हेन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस मस्ट बी रिड्यूस, तो एक सब्सटेंस के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ता है या बढ़ता है उसका प्रोपोर्शन, तो दूसरा सब्सटेंस जाहिर सी बात है कि कम होगा। दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, वो क्या होता है कि दोनों ही जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं होती है वो एक साथ ही होती है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज रेड ऑक्स रिएक्शन, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दिया, रेड ऑक्स यानी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे रेड ऑक्स रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे तो ये है CuCO कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे अभी यहाँ बताया ये जैसे इसी रिएक्शन में हमने देखा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की क्रियाएं हो रही हैं। ये देखिए जो हाइड्रोजन था उसको यहाँ पर ऑक्सीडेशन के रूप में यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया गया, और रिडक्शन के रूप में ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं एक साथ हो गई, यानी ये हुआ ऑक्सीडेशन और ये हुआ रिडक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इतना देखिए, इतना समझिए, और कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि और भी न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।